हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हैरी पॉटर की बुक्स और मूवीज में बहुत फर्क है। कई जगह किरदार बदल दिए गए हैं तो कई जगह डायलॉग्स जो बेसिकली बुक में ज्यादा अच्छे थे, पर टाइम के प्रॉब्लम के चलते कई ऐसे सीन्स भी रहे हैं जो मूवी के लिए शूट तो करे गए पर फाइनल रिलीज से पहले ही उन्हें कट कर दिया गया। इनमें से कुछ सीन एक्सटेंडेड वर्जन में अवेलेबल हैं, पर कुछ सीन्स उनमें भी अवेलेबल नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे सीन्स की जो शूट तो किए गए पर उन्हें दिखाया नहीं गया, जो काफी इम्पोर्टेंट थे। तो फर्स्ट पर है हैरी का डर्सलीज के साथ रहने वाला टाइम। फर्स्ट मूवी में कई सीन ऐसे रहे हैं जिससे पता चलता है कि डर्सलीज हैरी के साथ कैसा बिहेव किया करते थे। जैसे ये सीन जब डडली स्मेल्टिंग स्कूल के कपड़े पहनकर खड़ा होता है और हैरी पूछ लेता है कि मैं कब जाऊंगा इस स्कूल में, जिस पर पिटूनिया उसे दिखाती है कि उसके लिए डडली के पुराने यूनिफॉर्म को डाई किया जा रहा है ताकि वो स्टेट स्कूल में जाकर पढ़े। ये सीन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इससे पता चलता है कि हैरी के साथ कितना भेदभाव होता था डर्सलीज के घर में। दूसरा, जब हैरी के लिए हॉगवर्ट्स के लेटर्स आते हैं और वो हैरी को नहीं दिए जाते तो वो लेटर एग क्रेट में भी आते हैं अंडे के अंदर। बुक के अकॉर्डिंग पिटूनिया उन्हें ग्राइंडर में चला देती है। सेकंड पार्ट है हैरी का हैग्रिड से मिलना। हैरी की लाइफ में मेन मैजिकल जर्नी तब स्टार्ट होती है जब हैग्रिड उससे मिलता है और हैग्रिड हैरी को फाइनली वो लेटर दे देता है जिसमें उसका हॉगवर्ट्स एक्सेप्टेंस लेटर था। साथ ही उसमें दो और लिस्ट भी थी, एक तो फर्स्ट ईयर की बेसिक्स की जो मूवी में दिखाया है, जैसे कढ़ाई, उल्लू बिल्ली या मेढक लाना। एक और लिस्ट भी थी उसमें जिसमें कपड़े, छड़ी और ड्रैगन ग्लव्स की बात की गई थी। ये सीन उस रास्ते का है जब हैग्रिड और हैरी ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे और ऑन दी वे ये लिस्ट पढ़ते हैं और तभी हैग्रिड हैरी को ये भी बताता है कि वो हमेशा से ड्रैगन पालना चाहता था, जिसका रेफरेंस बाद में मूवी में भी दिखाया गया है। एक और इम्पोर्टेंट सीन था कि जब हैग्रिड हैरी को वोल्डेमॉर्ट के बारे में बताता है तब वो ये भी बताता है कि हैरी को पॉटर कॉटेज से वो ही निकाल कर लाया था और उसने ही हैरी को डंबलडोर को दे दिया था। थर्ड सीन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मूवी में दिखाया है कि हैरी, रॉन, हरमाइनी निकोलस फ्लैमेल की डिटेल पता करना चाहते हैं। वो लाइब्रेरी यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता और क्रिसमस के बाद ऑल ऑफ अ सडन हरमाइनी आती है और कहती है कि उसने किताब दिल बहलाने के लिए पढ़ी थी। उसे ये कैसे याद आया कुछ भी बताया नहीं गया, पर बुक में ऐसा नहीं था और बेसिकली मूवी में भी। इस डिलीटेड सीन में वो डिटेल बताई गई है जब नेविल को मैलफॉय बुली करने के लिए उसके पैर बांध देता है और नेविल हैरी हरमाइनी रॉन के पास फुदकता हुआ आता है जहाँ सीमस उसकी हेल्प करना चाहता था पर उसकी जादू की स्किल्स को देखते हुए नेविल मना कर देता है। उस टाइम हैरी को वही चॉकलेट फ्रॉग मिलता है जो उसे फर्स्ट टाइम ट्रेन में मिला था, यानी डंबलडोर का कार्ड, और जब वो कार्ड पलटता है तो उसे याद आ जाता है कि उसने निकोलस फ्लैमेल के नाम को कहाँ पढ़ा था। रॉन कार्ड पढ़ता है जिसमें बताया होता है कि निकोलस फ्लैमेल ने डंबलडोर के साथ रसायन शास्त्र की फील्ड में काम किया है, और फिर इससे हरमाइनी को याद आ जाता है कि उसने इस डिटेल को कहां पढ़ा था और वो लाइब्रेरी जाकर बुक ले आती है। फोर्थ पर है चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स की गिलड्रॉय लॉकहार्ट की पहली क्लास का ये सीन, जिसमें गिलड्रॉय के सेल्फ ऑब्सेसिव होना बताया गया है जो बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग ही था, पर इसे फाइनल रिलीज में हटा दिया गया। इसमें क्लास शुरू होने के जस्ट बाद गिलड्रॉय बच्चों का टेस्ट लेते हैं जिसमें उनके बारे में ही पर्सनल सवाल होते हैं जिसके आंसर्स ऑब्वियसली सिर्फ हरमाइनी ने ही दिए होते हैं। फिफ्थ सीन भी काफी इम्पोर्टेंट है। चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स मूवी में ही जब हैरी और बाकी लोग स्कूल वाले ड्यूलिंग क्लब में बेसिक ड्यूलिंग सीख रहे होते हैं तब हैरी की बात जस्टिन फिंच फ्लेचली से होती है जो हैरी को बताता है कि वो हफल पफ में है और एक मगल बॉर्न है। उसी सीन के एंड में हैरी सांप को उस पर हमला करने से रोकता है जो सबको लगता है कि वो हमला कर रहा था। उसके नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अर्नी और हाना अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं कि कैसे जस्टिन अब सेफ नहीं है क्योंकि उसने हैरी को बता दिया कि वो एक मगल बॉर्न है। हालांकि हाना कहती है कि हैरी तो काफी अच्छा है और उसने ही पहले तुम जानते हो कौन को गायब किया था, पर अर्नी इस बात पर जोर देता है कि हैरी ही स्लिदरिन का वंशज है। और अगले ही सीन में सर निकोलस और जस्टिन पेट्रिफाइड पाए जाते हैं और सारा शक हैरी पर चला जाता है क्योंकि जस्टिन ही पेट्रिफाइड मिलता है जिसकी सबको उम्मीद थी। सिक्स्थ सीन है चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में जब हरमाइनी मेलिसेंट बलस्टोर, जिससे उसकी लड़ाई होती है ड्यूलिंग क्लब में,
जो कि मूवी में दिखाया नहीं गया, उस दौरान उसे मिलिसेंट के कपड़ों पर ये बाल मिलता है। पर उस बाल का यूज करने के बाद हरमाइनी को पता चलता है कि वो मिलिसेंट की बिल्ली का बाल था, और क्योंकि पॉलीजूस पोशन यानी भेस बदल काढ़ा जानवरों का रूप लेने के काम नहीं आता, इसलिए हरमाइनी आधी बिल्ली में बदल गई थी। वो हॉस्पिटल गई थी जहाँ हैरी और रॉन उससे मिलने जाते हैं। वहाँ हैरी वो टॉम रिडल की डायरी भी ले जाता है। जब हरमाइनी डायरी देखती है तो उसे पता चलता है कि ये 50 साल पुरानी है और चैम्बर ऑफ सीक्रेट भी 50 साल पहले ही खुला था। और रॉम टॉम रिडल नाम जानता था क्योंकि उसे स्पेशल अवार्ड मिला था हॉगवर्ट्स की तरफ से। इससे वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि टॉम रिडल जरूर जानता होगा कि चैम्बर किसने खोला होगा। इसलिए हैरी डिसाइड करता है कि वो डायरी से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। सेवन सीन है प्रिजनर ऑफ अज़्काबान का, जब सीरियस ब्लैक स्कूल पहुंच गया था और फैट लेडी अपने पोर्ट्रेट से डरकर भाग गई थी और छिप गई थी। तब सर कैडोगन को टेम्परेरी गार्ड बना दिया गया था जो दिन में 2 बार पासवर्ड बदलता था सुरक्षा के लिए। उस दौरान सीरियस ब्लैक एक और बार हॉगवर्ट्स आया था और सर कैडोगन ने उसे ग्रिफिंडोर रूम में जाने दिया था क्योंकि सीरियस के पास एक लिस्ट थी जिससे वो पासवर्ड पढ़ के बोल रहा था। वो पासवर्ड नेविल ने ही कागज पर लिखा था और उसे रख कर कहीं भूल गया था। हालांकि बाद में बताया गया है कि वो दरअसल क्रुकशैंक्स ने चुरा कर उसे सीरियस को दिया था, पर ये पूरा सीन ही मूवी से हटा दिया गया। 8th पर है ऑर्डर ऑफ फीनिक्स का एंड सीन, जब सीरियस की मौत के बाद हैरी अपना सामान पैक कर रहा होता है। रॉन उसे साल के आखिरी जश्न के लिए बुलाने आता है पर हैरी जाने से मना कर देता है। रॉन भी कहता है कि उसे भूख नहीं है और वो नीचे जाता है जहां हरमाइनी वेट कर रही होती है। रॉन इशारे से बता देता है कि हैरी नहीं आ रहा। सुनने में शायद ये सीन नॉर्मल लगे पर यहाँ उनकी दोस्ती का पता चलता है, जो हैरी फील कर रहा था सीरियस की मौत से उसके दोस्त होने के कारण रॉन और हरमाइनी भी वही फील कर रहे थे। 9th पर है डेथली हैलोस पार्ट 1 का डर्सलीज से विदाई लेने वाला सीन। ये पिटूनिया का डिलीटेड सीन है। वेल पर्सनली मुझे ये सीन बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि बुक में ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड टाइम तक पिटूनिया ने हैरी के सपोर्ट या फेवर या लिली को मिस करने वाली कोई भी बात नहीं कही थी बुक में, जिससे बुक में पिटूनिया के लिए कोई हमदर्दी नहीं आती। इसलिए शायद ये सीन मूवी में डिलीट कर दिया गया होगा क्योंकि इस सीन में दिखाया गया है कि पिटूनिया हैरी से कहती है कि उस रात गॉडरिक हॉलो में तुमने अपनी माँ ही नहीं खोई थी, मैंने अपनी बहन भी खोई थी। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे पिटूनिया के मन में लिली या हैरी के लिए कोई पॉजिटिव फीलिंग हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर, इस सीन के बाद एक और सीन आता है जिसमें डडली ने हैरी से हाथ मिलाया था। ये सीन बुक के अकॉर्डिंग ही था। डडली को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि हैरी ने ही उसे डिमेंटर से बचाया था। वो हैरी से हाथ मिलाता है और कहता है कि उसे नहीं लगता कि हैरी धरती पर बोझ है, जैसा वर्नॉन अंकल हमेशा हैरी को कहा करते थे। बुक में ये सीन शायद मेरे वन ऑफ द फेवरेट सीन्स में से एक है, पर बुक के अकॉर्डिंग इस सीन के बाद पिटूनिया ने डडली को गले लगा लिया था कि मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है, हैरी को नहीं, जिस पर उन लोगों को लेने आए डिडलस डिगल और हेस्टिया जोन्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद भी नहीं आई थी। अब हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है मूवी के ये 3 सॉन्ग्स जिन्हें टाइम लिमिट के चलते हटा दिया गया था। पहला सॉन्ग है 4th मूवी से जिसमें हॉगवर्ट्स सॉन्ग है। और इसके बाद यूल बॉल के टाइम पे भी ये एक पूरा लंबा सॉन्ग था जिसे बहुत ही कट शॉर्ट कर दिया गया था। और तीसरा सॉन्ग है हाफ ब्लड प्रिंस से इन नॉकटेम सॉन्ग, जो डंबलडोर की डेथ के जस्ट पहले आना था। साथ ही हम कुछ ऐसे इमेजेस की भी बात करेंगे जिसके सीन तो कहीं अवेलेबल नहीं, पर ये इमेजेस जरूर देखने को कई बार मिले हैं। तो सबसे पहले 5th पार्ट में जब हैरी स्नेप की याद में जाता है और देखता है कि जेम्स ने स्नेप को उल्टा लटका दिया था। बुक में बताया है कि अकेली लिली और ल्यूपिन ही ऐसे थे जो इस स्नेप के हाल पर हंसे नहीं थे, और लिली स्नेप की हेल्प के लिए आगे आई थी और जेम्स को उसने रोका था, जिस पर स्नेप ने लिली को फिल्थी मडब्लड कहा था। ये वही सीन था। दूसरा, अमृतसर लड़ाई के टाइम मैकगोनिकल के चेस्ट पर सीधे 4 श्राप पड़े थे, पर वो सरवाइव कर गई थी। उसके बाद वो काफी टाइम व्हील चेयर पर रही थी। ये वही इमेजेस हैं।
तीसरा, मिनिस्ट्री में हुई लड़ाई में मूवी में दिखाया है कि सीरियस का ध्यान नहीं था और बेलाट्रिक्स ने पीछे से वार करके उसे मार डाला था, पर बुक में बताया है कि दोनों में प्रॉपर ड्यूलिंग हुई थी जिसमें सीरियस उसका मजाक उड़ा रहा था और तब बेलाट्रिक्स ने उसे मारा था। ये सारी चीजें मूवी में नहीं दिखाई गई, हालांकि इनिशियली ये शूट की जा रही थी। ये सीन उसी ड्यूलिंग के टाइम का है। अगला है, उसी मूवी में लास्ट में सीरियस की मौत के बाद हैरी ने अपना गुस्सा निकाला था विंडो के ग्लास को तोड़कर। और आखिरी, जब फ्लर और बिल की शादी हो रही होती है, बुक के अकॉर्डिंग वहाँ विक्टर क्रम भी आया था जिसे फ्लर ने इनवाइट किया था। क्रम ने ही हरमाइनी के साथ डांस किया था जिसका ये इमेज हमें इंटरनेट पर देखने को मिलता है, पर फाइनल रिलीज में ये सीन हटा दिया गया था। ग्रिंडलवॉल्ड और मौत के निशान के बारे में क्रम ने ही हैरी को बताया था। और फाइनली 10th पर है डेथली हैलोस पार्ट 2 का ये सीन, जब हैरी, रॉन, हरमाइनी एबरफोर्थ से मिलते हैं और उनके बीच बातचीत होती है जिसमें एबरफोर्थ का मानना होता है कि वोल्डेमॉर्ट जीत चुका है और ये भी कि कैसे जिस जिस की एल्बस डंबलडोर ने चिंता की है उन सब का ही अंत अच्छा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 10 सीन्स जो मुझे लगता है कि मूवी में होने चाहिए थे। आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।